अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त और भाई खादिम मोहम्मद चिश्ती अजमेर दरगाह शरीफ से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आप सबको अजमेर दरगाह शरीफ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल 2023 का आयोजन हो रहा है। ये महफिल खाने के अंदर आयोजन हो रहा है और ये हर साल आयोजन होता है इसका। इसके फाउंडर सैयद सलमान चिश्ती भाईजान हैं चिश्ती फाउंडेशन के। फेस्टिवल का सबसे अहम मकसद आज 16 साल कंप्लीट हो गए हैं। 16 साल पहले जब हमने बारगाह गरीबाबाद में नियत आप कहाँ से आए भाईजान? मैं यही कह रहा हूँ राजस्थान से। भाईजान आप कुछ बताना चाहेंगे अपने पेंटिंग के बारे में? तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको लेकर चलता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल अजमेर दरगाह शरीफ के अंदर। ये महफिल खाने के अंदर आयोजन हो रहा है इसका और मैं आपकी बात कराऊंगा इनके फाउंडर सूफी रंग फेस्टिवल के फाउंडर सैयद सलमान चिश्ती भाई, जो हमारे बड़े भाई जाने, उनसे मैं बात कराऊंगा आप सबकी और उनके इनपुट्स लेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। और माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत किया है इस फेस्टिवल के लिए, हर साल मेहनत करते आए हैं। तो आइए बात करते हैं भाई जान से। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हैं अभी अजमेर दरगाह शरीफ के अंदर और हम बात करेंगे सैयद सलमान चिश्ती भाई जान से, जो है फाउंडर सूफी रंग फेस्टिवल के। तो सलमान भाई, आप बताइए कि इस फेस्टिवल का मकसद क्या है? आदाब सलाम, और तमाम जितने भी नाज़रीन ये पैगाम सुन रहे हैं उन सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस फेस्टिवल का सबसे अहम मकसद आज 16 साल कंप्लीट हो गए हैं। 16 साल पहले जब हमने बारगाह गरीबाबाद में नियत करी थी कि जश्न ईद मिलादुन्नबी एक ऐसे यूनिक तरीके से मनाया जाए जहाँ पर इस्लामिक आर्ट, कैलीग्राफी, कुरानिक वर्सेस के साथ जो टुकड़े बनाए जाते हैं और तमाम जो रंग हैं वो अल्लाह के रंग हैं, इस तरीके से जितने खत्तात हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से उनको हमने दावत देना शुरू करी। महफिल खाने में जब किया उसको पहली बार हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए, इस बार इंटरनेशनल बढ़ता गया एक और बार, नेशनली और इंटरनेशनली आर्टिस्ट यहाँ पे आते गए और आज 16 साल होने के बाद यहाँ पे जब हम देखते हैं इस तरीके से एक जौक और शौक पैदा होता है। नियत यही थी कि ईद मिलादुन्नबी एक यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करें, उसके साथ साथ जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, आर्ट ऑफ कैलीग्राफी है, उसको भी एक नए आयाम पर पहुँचाएँ, क्योंकि जब से डिजिटलाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ है और जो हाथ से कैलीग्राफर्स हैं, जो बाय हैंड लिखते हैं, उनकी एक पेट्रोनाइजेशन कम हो गई है। आज हाथ से लिखने वाले कुरान को कितने लोग पेट्रोनाइज करेंगे? सिर्फ म्यूजियम में देखने को मिलता है, नोबडी कैन अफोर्ड इट। क्योंकि एक खत्तात अगर बहुत ही अच्छी मारूफ और अच्छी स्पीड है उनकी, तो कम से कम एक साल लगेगा उन्हें पूरा कुरान की रिपोर्ट के लिए। एंड हु वुड बी अफोर्डिंग टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एंड देयर चिल्ड्रन? बिफोर पहले जब होता था स्टेट यूज टू टेक केयर ऑफ दीज आर्टिस्ट। तो हमने ये नियत से कि जितने भी ऐसे फनकार हैं, अननोन आर्टिस्ट, जिनके पड़ोसियों को ये नहीं पता कि वो कुरान शरीफ लिखते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हमने ढूंढ के यहाँ पे बुलाया, उनको दावत दी कि बारगाह गरीबनवाज में वो अपना काम रखें ताकि वो खुद भी मोटिवेट हों। और ये काम, ये कैलीग्राफी राइटिंग, ये अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर रहे थे, उनको मोटिवेशन मिले कि नहीं, अभी भी बारगाह गरीबनवाज से जो पैगाम जाता है कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे हम फेस्टिवल करते हैं इंटरनेशनल सूफी, इसमें करीब 2 से 3 लाख लोग ज़ायरीन ये काम देखते हैं, फैज़ हासिल करते हैं, इससे जितने कैलीग्राफर हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, उनमें हिम्मत बढ़ती है कि इसका फ़न को छोड़े नहीं और इसको ज़िंदा रखें, अपने स्टूडेंट्स को भी बताएँ, अपने बच्चों को पास ऑन करें जो स्टूडेंट्स के पास आएँ। दैट वॉज द इंटेंशन टू स्टार्ट, टू कीप अलाइव द आर्ट ऑफ कैलीग्राफी एंड कुरानिक राइटिंग और खतीब जो है, इस फन को बरकरार रखें और आगे से आगे बढ़ाएं। और ये इसको कितना साल हो गया माशाल्लाह? दिस इज द 16th ईयर। 16 साल, ये 16 साल हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ आस्थान आलिया, और जब तक गरीब नवाज की मर्जी रहेगी, गरीब नवाज के तहत से ये हो रहा है और जब तक सरकार चाहेंगी ये होता रहेगा इंशाल्लाह। और ये डेट्स क्या रहते हैं? इसकी डेट्स हर साल 5 रबीउल अव्वल से 11 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल की रात तक ये महफिल खाने में ये फेस्टिवल होता है। दिन भर इसमें एग्जीबिशन चलता है और शाम के वक्त इसमें कवाली होती है, महफिल समा होती है,
हिंदुस्तान के अलग अलग घराने से जो फनकाई इकबाल हैं उनको बुलाया जाता है, वो अपना अकीदत का नजराना पेश करते हैं अपने कलामों से गरीब नवाज की बारगाह में। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई हमारे से बात करने के लिए। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, और मैं चाहता हूं कि जितने यंग लोग हैं इस पैगाम को आगे लेके जाएं, क्योंकि गरीब नवाज की बारगाह से जो पैगाम जाता है वो जाता रहा है 800 साल से कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं, लव टुवर्ड्स ऑल मैलिस टुवर्ड्स नन। इसी पैगाम को आप तमाम जो लोग देख रहे हैं अपने काम को अपना जिक्र बनाएं, दोज़ हू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया शेयर दिस मैसेज इन बसीना, जो पैगाम है मोहब्बत है इंसानियत का वर्ग है नवाज से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए और दुनिया के लिए। भाईजान आप कुछ बताना चाहेंगे अपने पेंटिंग के बारे में? लाया है और एक आयत आएगी इसमें पूरी कंप्लीट करने के लिए, तो शायद अगर आप पूरी और अगर आप पूरा पेंटिंग होने के बाद अगर देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि वेयर द पेंटिंग इज गोइंग। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। आपका नाम भाईजान? मैं शेख एहसान गुलबर्गा कर्नाटक से। ओके शुक्रिया भाई एहसान भाई। आप कहाँ से आए भाईजान? मैं यहीं का हूँ, टोंक राजस्थान से। टोंक राजस्थान, आप बताना चाहेंगे थोड़ा अपने कैलीग्राफी के बारे में? अरबिक कैलीग्राफी है और मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया है इसके लिए, और स्पेशली चलते हैं दो क्लासेस चलाते हैं इसके लिए। माशाल्लाह आप सीख भी सकते हैं इसके लिए, 2 साल का कोर्स है, कोई भी सीख सकता है, क्योंकि आजकल जो है महीने 2 महीने के भी कोर्सेज होते हैं स्पेशल कोर्सेज, उससे भी सीख सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल अजीम है। ओके अब्दुल अजीम भाई शुक्रिया बहुत बहुत।
Thank you.
आप सबसे बहुत जल्द मिलूंगा मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।